पत्नी के अवैध संबंध की जानकारी होते ही पति ने पत्नी के प्रेमी की हत्या की साजिश रच ली और इस साजिश में पत्नी को भी शामिल कर लिया। फिर प्लान के मुताबिक पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया गया और शव को भी दफना दिया गया। जब मृतक के भाई ने युवक के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस की जांच में हत्या का खुलासा हुआ। सिंगरौली कोतवाली थाना अंतर्गत पिपरा कुरुंद निवासी मेघनाथ केवट के गायब होने पर मेघनाथ के भाई ने कोतवाली थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिस मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी अरुण कुमार पांडे ने इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक सिंगरौली वीरेंद्र सिंह को सूचित किया। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल इस मामले को लेकर थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया कि इस मामले की गंभीरता पूर्वक कार्यवाही की जाए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली पुलिस व उनकी टीम ने प्रेम संबंध के चक्कर में हुई हत्या की गुत्थी सुलझा ली और 72 घंटे के अंदर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी की पत्नी के साथ मृतक के प्रेम संबंध थे, जिस कारण आरोपी राजकुमार बैगा और उसी की पत्नी शांति बैगा निवासी पिपरा कुरुंद ने मेघनाथ की हत्या कर शव को खेत में गाड़ दिया था। शव को कोतवाली पुलिस ने जांच के दौरान जमीन से बाहर निकलवाया और हत्या में प्रयुक्त हथियार भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने कोतवाली प्रभारी अरुण पांडे सहित पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। सुबेरे इनकी मोटरसाइकिल शिवपहरी के पास जो कन्वेयर बेल्ट है वहाँ लावारी सड़क में पाई गई। इनके भाई प्रेमलाल केवट के रिपोर्ट पे गुमशुदगी का प्रकरण बैठन थाने में दर्ज किया गया और उसमें जांच शुरू की गई। मृतक मेघनाथ केवट जो है इनकी क्वालिटी निकालने पर ये ज्ञात हुआ कि राम कुमार बैगा से इनकी बातचीत काफ़ी हुई है। संदेह के आधार पर राम कुमार बैगा से बुला करके पूछताछ की गई तो उनके द्वारा जो बताया गया उसमें ये जानकारी निकल के आई कि राम कुमार बैगा की पत्नी शांति बैगा से मेघनाथ केवट के अवैध संबंध बन गए थे, प्रेम संबंध हो गए थे इनके, और इस बात की जानकारी राम कुमार बैगा को हुई। इस बात को लेकर के इनके आपस में विवाद होते रहे थे और घटना दिनांक को इसको राम कुमार को ये जानकारी मिली कि उसकी पत्नी जो मायके में रहती थी वहाँ पर मेघनाथ केवट गया हुआ है उससे मिलने के लिए। तो ये जैसे इसको जानकारी मिली तो इसने योजना बनाई और मेघनाथ केवट का मर्डर करने के लिए यहाँ से कुल्हाड़ी लेकर के गया वहाँ पे। और उसके जो उसकी पत्नी का जो मायका है वहाँ पर उसने मेघनाथ केवट को वहाँ सोते हुए देखा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।